ओबीएस कहानी नंबर 48। ईसु ही सच्चा मसीह है। जब परमात्मा ने संसार बनाया तो सब कुछ अच्छा था, कोई पाप नहीं था। आदम और हवा एक दूजे साथे और परमात्मा साथे प्यार करो थे। कोई बीमारी या मौत नहीं थी। परमात्मा एड़ा ही संसार चाहो था। शैताना ने सांप बनी के बगीचे बीच हवा साथे गल की थी, क्योंकि सत्य साथ धोखा देना चाहो था। तेवे हवा और आदमा ने परमात्मा खिलाफ पाप किया। तिन्हों ने पाप किया था, इस खातर धरती पर रहने वाला हर इंसान मरवा। आदम और हवा ने पाप किया था, इस खातर कुछ और भी बुरा हुआ। सो परमात्मा के दुश्मन बन गए। तेवे ते लेके हर एक आदमी ने पाप कर रखा। हर एक आदमी जन्मा ते ही परमात्मा का दुश्मन है। परमात्मा और लोगों बीच शांति नहीं थी, पर परमात्मा तिना के शांति देना चाहो था। परमात्मा ने वादा किया कि हवा एक वंश जाने शैताना का सिर कुचलना। परमात्मा ने यह भी बोलिया कि शैताना ने तेसरी एड़ी डंसनी, मतलब शैताना ने मसीह मार देना, पर परमात्मा ने से दोबारा जिंदा कर देना। तेथे बाद मसीह ने शैतान की शक्ति हमेशा खातर खत्म कर देनी। कई साल बाद परमात्मा ने प्रगट किया कि से मसीह ईसु है। जो बाढ़ परमात्मा धरती पर लियाने वाला था, तेस बाढ़ा ते तिने अपना परिवार बचाया। तिने नूहा के एक बहुत बड़ी किश्ती बनाने खातर बोलिया। इस तरह परमात्मा ने सो लोग बचाए जो तेस पर भरोसा करो थे। सो सब के सब मारे परमात्मा के जरिए मारे जाने लायक थे, क्योंकि सभी ने पाप किया था, पर परमात्मा ने तिना सभी के बचाने खातर ईसु भेजा जो तेस पर भरोसा करो है। कई सौ साल तक पुरोहित परमात्मा खातर बलिदान चढ़ाते रहे, इस खातर कि सब लोगों ने पाप कर रखा और इस खातर कि सब लोग परमात्मा के जरिए मारे जाने लायक थे, पर सो बलिदान तिना पाप माफ नहीं कर सको थे। ईसु सभी तो बड़ा महापुरोहित है, तिने से यह किया जो कोई पुरोहित नहीं कर सको था। तिने से एकमात्र अपना बलिदान देता जो हर एक आदमी ने पाप मिटाई सको था। तिने स्वीकार किया कि परमात्मा सब लोग पाप पर सजा माखे दो। इस कारण ईसु सिद्ध महापुरोहित था। परमात्मा ने अब्राहमा के बोलिया, मैं तेरे जरिए संसार की सब बरादरी के आशीष देनी। ईसु ऐसी अब्राहमा का वंशज था। परमात्मा ने अब्राहमा के जरिए सब बरादरी के आशीष दी थी, क्योंकि जो कोई ईसु पर भरोसा करोआ, परमात्मा तिना सभी के पापा से बचावा। जिन्हें भी ईसु पर भरोसा किया और पापा से छुटकारा पाया, परमात्मा तिना के अब्राहमा के वंशज मानोआ। परमात्मा ने अब्राहमा के बोलिया कि मेरे खातर अपने पुत्र इसहाकर बलि चढ़ाई दे। पर फिर परमात्मा ने इसहाकर बदले बलि चढ़ाने खातर मेमने का इंतजाम किया। आसे सब अपने पापा खातर मारे जाने के लायक थे, पर परमात्मा ने आसरी जगह मरने खातर ईसु का बलिदान देता। इसी कारण आसे ईसु के परमात्मा का मेमना बोलू। जब परमात्मा ने मिस्र देश में आखिरी महामारी भेजी तो तिने हर एक इजराइली परिवार के बोलिया कि एक मेमने की बलि चढ़ाओ, तेस मेमने बीच कोई दोष नहीं होना चाहिए। तिनक तेस मेमने का खून अपने दरवाजे की चौकटा बंद लगाना था। जब परमात्मा ने से खून देखा तो से तिनर घर ते आगे बढ़ीगा और तिनारे जेठे पुत नहीं मारे। जब ये हुआ तो परमात्मा ने इसके फसह त्योहार बोलिया। ईसु फसह त्योहार अरे एक मेमने की तरह है, तिने कदी पाप नहीं किया, इस खातर तेस बीच कुछ भी गलत नहीं था। से फसह त्योहार अरे समय मारा गया। जब कोई ईसु पर भरोसा करो तो भी ईसु का खून तेस आदमी पाप पर कीमत चुकावा और परमात्मा की सजा तेस पर हट जाओ। परमात्मा ने इजराइली लोगों के साथ एक वाचा बानी, क्योंकि सो अड़े लोग थे जो तिने अपने होने खातर चुने थे। पर अब परमात्मा ने एक अड़ी वाचा बानी रखी जो कि सभी खातर है। अगर केस भी बरादरी का कोई भी आदमी इस नई वाचा की स्वीकार करो आ तो से परमात्मा के लोगों बीच शामिल हो ही जावा। सेड़ा इज खातर करो आ क्योंकि से यीशु पर भरोसा करो आ। मूसा एक एड़ा भविष्यवक्ता था जिन्हें परमात्मा के वचन बड़ी सामर्थ्य साथे प्रचार किए थे, पर यीशु सब भविष्यवक्ताओं बीच से सभी से बड़ा है। से परमात्मा है, इस खातर जो कुछ भी तिने किया और बोलिया से परमात्मा के काम और वचन थे। इस खातर पवित्र शास्त्र यीशु के परमात्मा का वचन बोलो आ। परमात्मा ने दाऊद राजा साथे वादा किया था कि तेरे एक वंशज ने राजे की तरह परमात्मा के लोगों पर हमेशा खातर शासन करना। यीसु परमात्मा का पुत्र और मसीह है, इस खातर से दाऊद राजा से ही वंशज है जो हमेशा खातर राज्य कर सको। दाऊद तो इजराइल देश का राजा था, पर यीसु सारे संसार का राजा है। से फिर आना और तिने हमेशा खातर अपने राज्य पर इंसाफ और शांति साथे शासन करना।